मोमेंट ऑफ़ फोर्स इट इज़ बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स होता है बिल्कुल सिमिलरली यहाँ रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क होता है तो मैं बोल सकता हूँ टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स एंड अकाउंट फॉर टाइम रेट ऑफ चेंज इन रोटेशनल मोशन यदि मैं मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूँ तो मैथेमेटिकली टॉर्क इस तरीके से डिफाइन होता है टॉर्क टाउ इज बेसिकली आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर अच्छा टॉर्क आपस क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो टॉर्क हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है आर क्या होगा आर पोजीशन वेक्टर होगा जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको टॉर्क चाहिए जैसे ये एक पोजीशन पी है पी पॉइंट पे एक टॉर्क एक्ट कर रहा है ठीक है एक फोर्स एक्ट कर रहा है एफ और स्पी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर मैं ओ के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं आर वैक्टर तो ये आर वैक्टर क्या होता है ये जो आप जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना उस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर उसके रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट में मेरे को टॉर्क चाहिए टॉर्क जो आपका काउंट होगा ये जो कैलकुलेट हो रहा है वो ओ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है इसे मैं यदि ऐसा लिखना चाहूंगा नूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात करो टॉर्क के मैग्नीट्यूड की तो मैं लिख सकता हूं आर एफ साइन थीटा, वेर थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन पोजिशन वैक्टर एंड फोर्स वैक्टर ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे ही करते हैं और डायरेक्शन भी आपको पता है टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे होती है आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो क्या यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल बेसिकली आप राइट right हैंड को स्ट्रेच करोगे आप राइट right हैंड को स्ट्रेच करोगे और इस तरीके से आपने राइट हैंड को स्ट्रेच किया हुआ है ठीक है यह आप राइट हैंड को स्ट्रेच करोगे ये पाम फेस अंदर की तरफ है ठीक है अदरवाइज ये लेफ्ट हैंड दिखेगा पाम फेस अंदर की तरफ है ठीक है तो आप राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करोगे ये वाले जो फिंगर्स है ये आप फर्स्ट वैक्टर यानी कि आर वैक्टर की तरफ होनी चाहिए फिर आप इन्हें नेचुरली बैंड करोगे यानी कि आप इसे नेचुरल बैंड तो अंदर की तरफ होगा इस तरीके से आप नेचुरली बैंड करोगे तो ये फाइनली एफ वैक्टर की तरफ जानी चाहिए किधर पहुंचनी चाहिए एफेक्टर की तरफ आप इन्हें बैंड करोगे तो जो थम होगा ना ये थम आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है ये राइट हैंड थम रोल होता है ये आप लेफ्ट हैंड की तरह मत मानिए राइट हैंड इसका पाम फेस अंदर की तरफ है ठीक है तो ये नज़ारा हुआ हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का अच्छा वापस से मैं नोमरिकल वैल्यू को आता हूँ नूमेरिकल वैल्यू को मैं टॉर्क को फिर से ऐसा लिख सकता हूँ थोड़ा सा देखिएगा टॉर्क की नूमेरिकल वैल्यू क्या लिख सकता हूँ आर मल्टीप्लाई वे एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ मल्टीप्लाई वे आर साइन थीटा ये लिख सकता हूँ इस पार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ये जो मैंने दो एक्सप्रेशन लिखी है जब मैं एक साइन की बात कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ डायग्राम में आइए और बढ़िया से समझ आएगा ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर ये हमारे पास आर वाले डायरेक्शन है और ये हमारे पास एफ वाले डायरेक्शन है एफ़ इधर ही है और आर इधर है तो ये दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा जब मैं एफ साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं एफ का एक कंपोनेंट ले रहा हूँ जो इधर की तरफ़ एक्ट कर रहा है कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रेडियस हाँ है ना इधर ही आएगा एफ साइन टीटा तो एफ साइन टीटा को आप आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए नाउ दिस एफ इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू आर आप ऐसा कर सकते हैं दूसरी जो हमारी ये इक्वेशन है ये क्या बोल रही है आराम से देखो ये बोल रही है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है आप एक काम करो ये एंगल ठीटा तो यह भी ठीठा होगा अब आर का एक कंपोनेंट ले लो एफ के परपेंडिकुलर ठीक है तो हमारे पास यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे ठीक है तो ये एंगल थीटा होगा तो मैं इसके बिल्कुल एफ के पैरेलल यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये एंगल भी थीटा होगा और ये लेंथ कितनी आ जाएगी ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास आर साइन थीटा यानी कि मैं आर का एक कंपोनेंट ले रहा हूँ एफ़ के परपेंडिकुलर और इसको फिर एफ से मल्टीप्लाई कर दो अब दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो ठीक है मैं इस पार्ट पे दोबारा आऊँगा आप ध्यान रखिएगा ठीक है यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है तो बोलो भाई बहुत बढ़िया है ना ये हम बात करें मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है <laughs> तो पहली इक्वेशन मैंने लिखा आ, पोजिशन वैक्टर मल्टीप्लाई बाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वैक्टर सेकेंड वाली एक्सप्रेशन क्या बोल रही है फोर्स मल्टीप्लाई बाई फोर्स मल्टीप्लाई बाई कंपोनेंट ऑफ पोजिशन वैक्टर परपेंडिकुलर टू द फोर्स ठीक है एक बार मैंने एफ का कंपोनेंट लिया एक बार आर का कंपोनेंट लिया इस तरीके से मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा मैं वो लेके आंसर निकालूंगा कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें वो अपन अलग से बात कर चुके हैं राइट एंड थम रूल के थ्रू तो ये हमारे पास स्टोरी है टॉर्क की थोड़ा सा टॉर्क की इक्वेशन को और अपन एनालाइज करते हैं हम एक डिस्कस करते हैं कि सपोज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एफ फॉर गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स एफ ये जो टॉर्क है ये आपस मैक्सिमम कब होगा ठीक है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा जब आप बोलोगे कि जो आर है वो मैक्सिमम होना चाहिए तब टॉर्क मैक्सिमम होगा प्लस साइन थीटा जो है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है जब हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है नाइन्टी डिग्री हाँ ना तो यदि आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आर जितना ज़्यादा हो उतना ही बढ़िया है प्लस साइन थीटा मैक्सिमम के करीब होना चाहिए साइन थीटा मैक्सिमम के क्लोज मतलब थीटा आप पास ऑलमोस्ट नाइन्टी के आसपास होना चाहिए तो ही आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगी इसका एक डेली लाइफ में प्यारा सा एग्जाम्पल वो देखो जैसे आप डोर की पोजिशन को हमेशा देखो डोर की पोजिशन पर जो हैंडल होता है ना जिससे आप पुश और पुल करते हो इसकी पोजिशन हमेशा कुछ इस तरीके से होती है कि आपका जो हैंड की पोजीशन आती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन इधर से परपेंडिकुलर मत देखिएगा का आप उधर से देखोगे ज्यादा समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ठीक है इस तरीके से ऊपर नहीं बनाया मैंने अंदर की तरफ बनाया ठीक है एक्सेस ऑफ रोटेशन अंदर की तरफ आएगी ना ऐसे अंदर की तरफ है वो ऐसे राइट नहीं बिल्कुल प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है ये डायरेक्शन ठीक है आप पोजीशन लेके देखो आप बिल्कुल आपका हैंड जो लग रहा है ये जो आप पास गेट होता है उसके बिल्कुल नाइन्टी डिग्री पर आता है सरफेस के नाइन्टी डिग्री पर आता है ठीक है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से देख लो यहाँ से बढ़िया पता लगेगा आप यहाँ से इस हैंडल को पुश कर रहे हो और ये आप पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है तो ये आपके पास आर वैक्टर है और आप जो पुश करने के लिए फोर्स लगा रहे हो स्पायट को या तो आप अंदर की तरफ फोर्स लगाओगे या बाहर की तरफ यही होता है जहाँ पुश और पुल लिखा हुआ है जैसे ये वाला गेट सिर्फ पुश करने पे ही ओपन होगा ठीक है तो आप इसे अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो आपका फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर है दूसरी एक और चीज जो नोटिस करने वाली है ये जो हैंडल होता है जैसा आप पुश और पुल करते हो ये बिल्कुल इधर एक्सट्रीम पर आता है देखो जितना हैंडल इधर से दूर जाएगा आर उतना ही ज़्यादा होगा यही हैंडल की पोजिशन यदि यहाँ होती मिडल में कहीं तो हमारा आर कम होता तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता इसको रोटेट करने के लिए क्योंकि जो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है जिसे अपन टॉर्क बोलते हैं वो मैक्सिमम होता है जब आर जितना ज़्यादा होता है ठीक है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स तो इस वजह से ये जो हैंडल की जो पोजिशन है वो बिल्कुल हमारे पास एक्सट्रीम पर रहती है और दूसरी चीज़ यदि आप इसे गेट को खोल रहे हो एक आप यहाँ खड़े होकर खोल रहे हो यहाँ पे आपकी पोजीशन है कुछ ऐसे ही। यहां पे खड़े रह के आप खोल रहे हो इस पोजीशन पे एक आप यहां खड़े रह के खोल रहे हो दोनों पोजीशन पे फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां से आपके हैंड की पोजीशन ऐसे जाएगी अब वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगी आर वेक्टर के साथ यहां से आप जब पुश करोगे बिल्कुल आपका हाथ सामने से रहेगा तो यहां से पुश करके खोलना आसान रहेगा यहां से थोड़ा टफ रहेगा अब जितनी पोजिशन उधर जाओगे आपके हैंड बेंड हो जाएंगे और आर और एफ के बीच का एंगल नाइनटी डिग्री नहीं रहेगा ठीक है तो गेट गेट को स्मूथली खोलना तो बिल्कुल इस पुश और पुल वाले के बिल्कुल फ्रंट पे खड़े रहिए और फिर इस हैंडल को यूज कीजिए और हैंडल की पोजीशन ये जो हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से जितनी दूर रहेगी उतना ही बढ़िया रहेगा ठीक है ओके okay. अब कुछ नोमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं टॉर्क पे जैसे फर्स्ट वाला है आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है दिस फोर्स एक्ट ऑन ओ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क चाहिए फोर्स एक्ट कहाँ कर रहा है ओरिजिन पे फोर्स एक्ट कर रहा है और टॉर्क इसके रेस्पेक्ट में चाहिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चाहिए तो एफ वैक्टर तो हमें गीवन है एफ वैक्टर कितना आ गया हमारे पास वो आ गया माइनस एफ के के एफ ठीक है अब हमें चाहिए पोजिशन वैक्टर तो हम पोजिशन वैक्टर निकालेंगे ओ का विथ रेस्पेक्ट टू सपोज इस पॉइंट को पी देता हूँ तो पी के रेस्पेक्ट में जनरली हम ओरिजन के रेस्पेक्ट में पोजिशन वैक्टर निकालते हैं लेकिन यहां फोर्स ओरिजन पे लग रहा है और टॉर्क किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा है इस वजह से ये आपके पास लिखा जाएगा ठीक है तो पोजीशन वेक्टर ओ का ओरिजिन का पी के रेस्पेक्ट क्या लिखोगे आप लिखोगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी दैट इज वन आई के एफ प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी ओ माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी माइनस माइनस प्लस वन जेकेफ प्लस जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ माइनस जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पी के एफ तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या आ गया पोजीशन वेक्टर आ गया माइनस आई के एफ प्लस जे अब डायरेक्ट यदि देखते स्पी का गलती से पोजीशन वेक्टर निकाल लेते तो आंसर क्या होता आई केफ माइनस जे जेकेफ और फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते तो आंसर आपका मैच नहीं हो पाता थोड़ा सा लैंग्वेज को देखना होगा फोर्स कहां लग रहा है जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर लेंगे उसके रिस्पेक्ट में जहां से हमें टॉर्क चाहिए बराबर है अब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क टाउ वैक्टर क्या होता है वो होता है हमारे पास आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर ये लिखते हैं अपन तो आर क्रॉस एफ लिखेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का आई एफ के एफ प्लस जे के एफ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे माइनस एफ केफ ठीक है तो ये जो माइनस का एफ है इसे तो मैं चाहूँ तो बाहर ही ले, ले लेता हूँ अंदर सबसे पहले क्या बनेगा ये वाला माइनस इज आई कैप क्रॉस के कैप यही बनेगा फिर प्लस का साइन आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते ठीक है ये बनेगा जे वेक्टर क्रॉस के कैप ठीक है अब आपको शायद ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है वो याद होगा इस तरीके से हम लिखते थे आई जे के यानी कि आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलता है और जे क्रॉस के मिलते हैं तो के करते आई मिलता है और आई क्रॉस सॉरी के क्रॉस आई करते तो जे मिलता है आप ऑर्डर चेंज हो जाएगा यानी कि रिवर्स हो जाएगा क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव हो जाएगा यही है बस दोबारा करते हैं ये वाला माइनस मैन एज इट इज आई क्रॉस के आई क्रॉस के क्या होना चाहिए के क्रॉस आई जे होता है तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा माइनस का जे तो ये माइनस का K जे, जे क्रॉस के क्या होगा जे क्रॉस के होगा हमारे पास आई केफ क्लॉकवाइज आ रहे हो ना तो ये आईकेफ माइनस का एफ बाहर है अंदर तरफ क्या है हमारे पास अंदर की तरफ है प्लस का आई के एफ और प्लस का जेकेफ अब किस फॉर्मेट में दिया है वो देख लो माइनस एफ बाहर लिखा है तो अंदर आई के प्लस जे के होना चाहिए तो ऑप्शन सी करेक्ट है सही है ना ओके okay. ये एक और प्यारी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स किसके अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू ओरिजन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एफ एंड आर वैक्टर दोनों ए और बी सिचुएशन में देख लीजिए हमारा एफ वैक्टर और आर वैक्टर बेसिकली एक्स वाई प्लेन में है ठीक है दोनों वैक्टर एक्स वाई प्लेन में ही है तो इन दोनों वैक्टर के परपेंडिकुलर यदि मैं जाऊँगा बेसिकली तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर बात कर रहा हूँ यानी कि जेड एक्सेस के अबाउट बात कर रहा हूँ तो यहाँ हमारे पास इस एक्सेस के अबाउट हमें टॉर्क चाहिए ठीक है ये हमारी एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट हमें टॉर्क चाहिए बराबर है अच्छा टॉर्क चाहिए आपको दोनों में एफ गिवन है और दोनों में ही आर गीवन है हमारी मर्जी हम कैसे सॉल्व करते हैं टॉर्क का फॉर्मूला यदि मैं नूमरिकल वैल्यू की बात करूं तो वो क्या आ जाता है हमारे पास आर एफ थीटा मैंने कहा था मैं एफ़ का कंपाउंड ले सकता हूं और मैं आर का कंपाउंड ले सकता हूं मेरी मर्जी है ठीक है यहाँ दो प्रॉब्लम है एक बार एफ़ का कंपाउंड ले लूँगा एक बार आर का ठीक है तो पहले वाली प्रॉब्लम में मैं एक काम करता हूँ एफ़ का कंपाउंड लेता हूँ ये यदि हमारे पास टेन न्यूटन गिवन है तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो पोजिशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कितना आएगा वो आएगा टेन साइन सिक्सटी ये लिखोगे और साइन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाई टू तो ये आ गया आपके पास फाइव रूट थ्री तो टॉर्क तो कितना आ रहा है पहले वाले सिचुएशन में न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे पास आर मल्टीप्लाई भी एफ साइन टेटा एफ साइन कितना है फाइव रूट थ्री तो ये फाइव रूट थ्री ये हमारे पास वैल्यू आ गई ठीक है एप कितना आ गया फाइव रूट थ्री ये हमारे पास टॉर्क की नूमेरिकल वैल्यू आ गई वे सब डायरेक्टली भी कर सकते थे आर की वैल्यू लिखते एफ की वैल्यू लिखते, लिखते और फिर साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल साइन सिक्सटी वहाँ से भी आ जाता तो, कोई दिक्कत नहीं थी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में एक काम करता हूँ मैं आर का कंपाउंड लेता हूँ ये हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहा है इस लाइन पे ये आपका लाइन ऑफ फोर्स है यह लाइन ऑफ फोर्स है इस लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर जब मैं कंपोनेंट की बात करूंगा तो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा ठीक है आर का इधर कंपोनेंट कितना आएगा आर साइन थीटा तो आर साइन थर्टी डिग्री ऐसे आएगा सही है ना आर साइन थर्टी डी और साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन बाई टू और आर की वैल्यू वन तो ये आ गया वन बाई टू तो यहाँ से मैं टॉर्क चेक करूँगा टॉर्क कितना आएगा एप की वैल्यू टेन मल्टीप्लाई साइन थर्टी की वैल्यू कितनी आएगी तो हमारे पास साइन थर्टी की वैल्यू आएगी वन बाई टू तो आंसर आ रहा है फाइव ठीक है वैसे यदि आप टॉर्क की यूनिट की बात करते हो तो टॉर्क ये आपके पास टॉर्क की यूनिट क्या आएगी आर की यूनिट और एप की यूनिट यानी कि न्यूटन मीटर क्या होती है न्यूटन मीटर ठीक है आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम भी आपको समझ में आई हो वैसे यहां पे डायरेक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन कैलकुलेट होगी राइट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं आप आर वैक्टर के डायरेक्शन अपने राइट हैंड की फिंगर को स्ट्रेच करो फिर आप नेचुरली बैंड करो टुवर्ड्स द एफ वैक्टर ठीक है तो यहाँ पहले आप आर वैक्टर इधर की तरफ आप अपने राइट हैंड की फोर फिंगर्स को बैंड स्ट्रेच करोगे फिर आप इसे नेचुरली ऐसे बैंड करोगे ऐसे नेचुरल बैंड करोगे तो आपका थम किधर जाएगा ऊपर की तरफ आपकी तरफ आएगा ना और तो आपकी तरफ कौन सा है जेड एक्सेस तो यहाँ पे डायरेक्शन जो टॉर्क की रहेगी उसे मैं लिख दूँ के के इधर वाले केस के अंदर आप बात करोगे तो पहले आप राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करोगे ये आर वैक्टर की डायरेक्शन है नेचुरली आप इसे बैंड करोगे एफ वैक्टर की तरफ एफ़ वैक्टर क्या है ऐसे क्लॉक बैंड करोगे तो आपका थम किधर जाएगा आपसे दूर अंदर की तरफ प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा ना तो ये आएगा आपके पास माइनस के के तो आप इसे यदि वैक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे तो यहाँ पे टॉर क्या होगा नोमरिकल वैल्यू दैट इज़ फाइव रूट थ्री केफ और यहाँ पे टॉर क्या लिखा जाएगा फाइव माइनस के ये हमारे पास हमने लिख दिया टॉर्क को वैक्टर फॉर्म में ठीक है थीके? ये एक छोटी सी प्यारी सी प्रॉब्लम है यहां पे एक रिजिट रोड है हैविंग मास एम लेंथ एल एंड वन एंड इज पाइवेट एट ओ एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट ओ फ्री टू रोटेट अबाउट ओ एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट दिस ओ और दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन ठीक है यहाँ पर आपको पता है कि ये जो आपस रोड है इसको नीचे की तरफ ग्रेविटी पुल कर रही है लेकिन ये एंड फ्री होने की वजह से यानी कि फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन जैसा नज़ारा हो रहा है यहाँ पे एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो ये आपके पास पूरी रोड नीचे की तरफ ऐसे बैंड होगी ऐसे रोटेट होकर आएगी यहाँ पे हर एक जगह पे आप पास नीचे की तरफ आप छोटे छोटे सेगमेंट देखोगे तो नीचे की तरफ आपके पास फोर्स लगेगा इस तरीके से ठीक है तो मैं एक काम कर सकता हूँ इस पूरी रोड को एक पॉइंट मास से कन्वर्ट करके सेंटर पे इसका मास एम मानते हुए एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी इस एम जी की वजह से डायरेक्ट टॉर्क निकाल सकता हूँ इस एम जी की वजह से टॉर्क निकाल रहा हूँ तो टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है वो थी हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एल बाई टू है दिया जाएगा एल बाई टू इधर वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ना ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर डि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी एल बाई टू कॉस थीठा तो यह आ जाएगी हमारे पास एल बाई टू कॉस ठीठा अब यदि आप ये सोच रहे हो सर वो तो जो आप बोल रहे हो ना टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस मल्टीप्लाई साइन थीटा तो यहाँ कॉस थीटा कैसा आ गया ये थीटा आप पास पोजिशन वैक्टर और फोर्स के बीच का एंगल नहीं है आप देखिएगा ठीक है पोजिशन वैक्टर और फोर्स के बीच का एंगल आप देखोगे तो यहाँ मिलेगा ये पोजीशन वेक्टर है ऐसे जाएगा और ये जो एंगल है आप ये कहीं ना कहीं उनके बीच का एंगल होता है जिसकी हम बात करते हैं वैसे भी किसी को ज़्यादा मज़े नहीं आ रहे सर ये सेंटर ऑफ मास वाली चीज़ हम नहीं मानते आप पूरे का अलग अलग करके निकालो तो हम सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेपरेटली के लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है एक काम करो सेंटर से एक्स से डिस्टेंस पे या मैं मान लेता हूँ इधर एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स ले लेता हूँ ठीक है और इस डी एक्स विर्थ पर एलिमेंटल मास आएगा डीएम डीएम की वैल्यू लिख सकते हो कि टोटल मास एम एल लेंथ पे है तो ये आ गया मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई वाई लेंथ डीएक्स और डी एक्स की वजह से एलिमेंटल मास डी टाओ पर जो टॉर्क लग रहा है वापस एलिमेंटल फोर्स दैट इज डीएम मल्टीप्लाई वाई जी और अगेन आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स कॉस थीटा यही आएगी और ऐसे घुमा कैसे रहा है ये टॉर्क इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है अब हर एक जो छोटा सा सेगमेंट है ना सारे सेगमेंट को ये जो डीटा हुआ है सब पे क्लॉकवाइज लग रहा है तो रिजल्ट एंड टॉर्क क्या हो जाएगा इन सब का इंटीग्रेशन डी की वैल्यू पुट करोगे तो एम अपॉन एल जी कॉस थीटा अंदर हमारे पास बचेगा एक्स डी एक्स बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ जीरो से एल यदि लिमिट पुट करो तो क्या आएगा एम अपॉन एल जी कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट तो यह जाएगा एल स्क्वायर बाय टू एक एल से एक एल कट गया वही आंसर आ रहा है आप इंटीग्रेशन से करो या पूरे रोड को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करके टॉर्क निकालो एक ही बात है जो आपको ज्यादा ईजिली डाइजेस्ट हो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो ठीक है यहाँ पे एक और छोटी सी प्रॉब्लम गिवन है एक व्हील है एक्स वाई प्लेन के अंदर रखी हुई है और इसमें तीन डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं एंड वी आर सपोज टू अगेन कैलकुलेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ दिस व्हील दैट इज ओ And perpendicular to it, यानि कि आप पास ये के इस तरीके से, ठीक है? तो आप फोर्स को देखो फोर्स किस तरीके से लग रहे? ये वाला फोर्स हमारे पास से पास हो रहा है, तो यहाँ पे की वैल्यू जीरो आने की वजह से इसकी वजह से तो टॉर्क जीरो हो जाएगा. तो ये तो कैलकुलेशन के लिए किसी काम का नहीं इसकी वजह से टॉर्क जीरो आएगा इस टेन न्यूटन की वजह से यदि आप टॉर्क निकालोगे मैं टाउ वन लिख देता हूं तो ये क्या आएगा आप फोर्स मल्टीप्लाई वे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो कितनी वन ये है। और ये घुमा कैसे रहा है डायरेक्शन वाइज देखोगे तो ये इसे कहीं ना कहीं आप सामने से देख रहे हो तो आपको लग रहा है ये एंटी क्लाक घुमा रहा है एंटी क्लॉक घुमा रहा है तो ये डायरेक्शन आ गई अब बात करते हैं ट्वेंटी रूट टू की ट्वेंटी रूट टू के मैं दो कंपोनेंट ले सकता एक कंपोनेंट इधर आएगा इधर की तरफ कितना आएगा कंपोनेंट स्ट्रीटा वाला आएगा तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा टेन और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा तो इधर की तरफ भी कंपोनेंट आएगा टेन अब ये वाले कंपोनेंट की वजह से अगेन टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो और इधर वाले कंपोनेंट की वजह से यदि मैं टॉर्क बोलता हूँ टाओ टू तो ये कितना हो जाएगा टेन मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस वन ये कैसे घुमाना चाहेगा ये इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा और कोई फोर्स बचे नहीं दो ही फोर्स हैं तीन ही फोर्स थे इस ट्वेंटी की वजह से जीरो टेन की वजह से क्लॉक वाइज इतना और इसकी वजह से भी इतना ही आ रहा है क्योंकि दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट की वजह से तो टॉर्क नहीं है एक क्लॉक वाइज को आप पॉजिटिव मानोगे तो एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव हो जाएगा या एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव मानोगे तो क्लॉक वाइज नेगेटिव तो आप पास रिजल्टेंट टॉर्क कितना हो जाएगा रिजल्टन टॉर्क हो जाएगा जीरो तो ये जो जितने फोर्सेज लग रहे हैं इन फोर्स की वजह से रिजल्टेंट टॉर्क हमारे पास जीरो है बराबर है ओके okay. टॉर्क के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इट इज़ ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क नॉर्मल वाले कंपोनेंट की वजह से टॉर्क नहीं होगा रीजन दैट नॉर्मल फोर्स पास थ्रू एक्सेस ऑफ रोटेशन वैसे ये वाला पॉइंट बहुत सारे ऊपर जो एग्जाम्पल आपने डिस्कस किए ना वहाँ से समझ आ गया होगा बट फिर भी एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं जैसे ये कोई रेंडम सेप ऑब्जेक्ट है और ये यहां से फिक्स किया मैंने ठीक है और ये हमारे पास होगी एक्सेस ऑफ रोटेशन इस तरीके से ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और ये बॉडी ऐसे घूमेगी ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन यहां किसी पॉइंट पे सपोज ये मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया है जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड और इस तरीके से एक मैंने फोर्स लगाया है एफ वैक्टर ठीक है तो जहां फोर्स लगाया उसका पोजिशन वैक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जहां फोर्स लगाया उसका पोजिशन वैक्टर ये आर वैक्टर जिसकी हम बात करते हैं इस ऐप को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करके देखता हूँ नजारा क्या है तो फोर्स इस तरीके से लग रहा है और ये दोनों के बीच का बेसिकली एंगल है ठीठा अब इस फोर्स का आप दो कंपोनेंट ले सकते हो इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो हमारे पास इधर की तरफ एक्ट कर रहा है एक कंपोनेंट इधर की तरफ एक्ट कर रहा है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स और एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ एक्ट कर रहा है इसे हम बोले टेंजेंशियल कंपोनेंट ये जो आपके पास नॉर्मल फोर्स है ये बेसिकली रेडियल डायरेक्शन में आ जाता है या फिर बोलूँ ये वाला जो फोर्स है ये इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास हो जाता है इस वजह से इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा जीरो यही वो फोर्स है जिसकी वजह से टॉर्क आएगा दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क या फिर बोलू टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस बॉडी यही वो पार्ट है जो बॉडी को रोटेट करेगा अब इस पार्ट को और बढ़िया तरीके से समझना है तो आप ये समझो कि आपके जो दरवाजा है ना वहां से आपको बड़े जल्दी समझ आ जाएगा सपोज ये आपके पास एक डोर की बात करो ठीक है और यहां पे ये डोर इस तरीके से खुला हुआ है समझ में आ रही बात आपको इस तरीके की सिचुएशन समझो अब आप डोर के बिल्कुल सामने से दो एक बार सोचो कि आपने डोर पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो इधर की तरफ खींच रहे हो ये वाले सिचुएशन आप खींचो डोर को क्या ये डोर रोटेट करेगा नहीं डोर रोटेशन के लिए आपको इस डोर के परपेंडिकुलर इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा या इधर की तरफ लगाना पड़ेगा आपको इसे बंद करना है या खोलना है ठीक है ये वाला जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स इन्हीं से आपके पास ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट टर्निंग इफेक्ट आएगा ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट टर्निंग इफेक्ट इन्हीं फोर्स की वजह से आएगा वाला जो नॉर्मल फोर्स है ये कभी भी रोटेट नहीं करवाएगा क्योंकि ये आप एक्सटेंड करके देखते हो तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास हो जाता है समझ में आ रही बात तो ये आपस फर्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग टॉर्क और भी अपन पॉइंट वन बाय वन उनको भी डिस्कस करते हैं ठीक है इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट की बात करते हैं दैट इज टॉर्क अबाउट एक्सेस एक्सेस के अबाउट टॉर्क कैसे डिफाइन होता है उस पर बात करते हैं और डिफाइन क्यों करना पड़ रहा है वो भी आपको एहसास हो जाएगा ठीक है अब तक जो हमने बोला था किसी पॉइंट के अबाउट बात कर रहे थे ठीक है अब बात करेंगे एक्सेस के अबाउट टॉर्क का क्या मीनिंग रहेगा ठीक एक छोटा सा प्यारी सी सिचुएशन से समझते हैं आपको जल्दी समझ आएगा और ये भी एहसास होगा कि हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं ठीक है मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ इस तरीके से डिफ़ाइन कर लेता हूँ ये हमारे पास एक्स एक्सेस ये वाली वाई एक्सेस और इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सेस थोड़ा सा जेड एक्सेस को आप थ्री डी में समझिएगा जल्दी समझ आएगा कि जेड एक्सेस है ठीक है और हमारे पास यहाँ पे एक मैं रेजिट रोड की बात कर लेता हूँ ये हमारे पास एक रेजिट रोड है जिसको मैंने इस तरीके से एक्स एक्सेस के अलाउन रखा हुआ है ठीक है ये हमारे पास एक रेजिट रोड है रिजिट रोड का एक एंड हमारे पास ओरिजन पे और दूसरा एंड पे यहाँ एक जनरल पॉइंट पी ले लेता हूँ और इस पी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है ठीक है इस P पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है यहाँ एक फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर बराबर है अब इस एफ वेक्टर की मैं सिचुएशन देखता हूँ किस तरीके से क्या लग रहा है यदि F वेक्टर P पे लग रहा है तो आप ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ना ओ इसको मैंने फिक्स कर दिया है इसको क्या क्या फिक्स किया यानी कि दिस रोड इज फ्री टू तो रोटेट अबाउट ओ अब तक ऐसी बातें कर रहे थे अब मैं बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले पोजिशन वैक्टर ही निकालोगे तो आप आर वैक्टर कैसे डिफाइन करोगे तुम तो आर वैक्टर निकालेंगे पी का ओ के रेस्पेक्ट में ये इसकी लेंथ यदि मैं एल मान रहा हूं तो यह आ जाएगा एल और आई के एफ आराम से देखिएगा भाई थोड़ा सा आपको अलग लगेगा अब मैं एप की सिचुएशन लेता हूं सपोज मैं बोल रहा हूं कि एफ वेक्टर हमारे पास है पहला केस एफ नॉट माइनस के के एफ एफ नॉट माइनस के के एफ यानी कि आप इसे डायरेक्शन वाइज यहां समझना चाहोगे तो वो कैसा रहेगा इस तरीके से रहेगा हमारे पास एफ वेक्टर, ऐसे लग रहा है एफ एक्टर हाँ या ना यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है आप थोड़ा सा समझिएगा सिचुएशन को ये बेसिकली अंदर की तरफ जा रहा है प्लेन के ठीक है ये एंगल नाइन्टी डिग्री इधर भी एंगल आपके पास इस रोड के साथ कितना है नाइन्टी डिग्री थोड़ा अंदर की तरफ मानिए तब आपको समझ में आएगा अब अब यदि ये रोड घूम रही है मैं ये मानता हूँ तो फिर ये कैसे घूम रही होगी आप पेन को पकड़ो और इधर वाले एक एंड को फिक्स करो और इधर घुमाओ यदि घूम रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो आपके पास सेगमेंट है इसको आपने ऐसे होल्ड किया होगा थोड़ा सा देखो ऐसे होल्ड किया होगा ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी इस तरीके से मैंने वाई एक्सेस को एक्सेस ऑफ रोटेशन बनाया होगा ये ऐसे घूम रहा होगा ये हमारी एक्सेस ऑफ रोटेशन है हाँ है ना सही है और तो कैसे घूम ऐसे घूम रहा है तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गई इस एक्सेस का अबाउट आपने ऊपर नीचे से होल्ड कर रखा हो आप पेन से पकड़ के आप पेन को है ना ऊपर दोनों आप दो फिंगर हेल्प से पकड़ के देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई एक्सेस पर आपके दोनों फिंगर आ रही होगी ठीक है तभी ऐसे घूमेगा बहुत बढ़िया अब इसी सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ ये एक्सेस रोटेशन हमारी फिक्स हो गई इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ और एक और नया फोर्स लगा रहा हूँ पहले वाला लग रहा है या उसको भूल जाओ कि नहीं लग रहा है एक नया फोर्स लगा रहा हूँ एफ वन और ये सपोज इस तरीके से है ये हमारे पास एफ नॉट और डायरेक्शन देखिएगा मैं डायरेक्शन लगा रहा हूँ जेके एफ समझ में आ रही है ये फोर्स किधर लग रहा है ये वाला फोर्स हमारे पास कुछ दूसरे कलर से दिखा देता हूं ये फोर्स ऐसे लग रहा है ये हमारे पास लग रहा है एफ वन ये एफ वन के डायरेक्शन है अब आप देखोगे तो एफ वन जो है ना ये भी X के परपेंडिकुलर है पहले वाला भी परपेंडिकुलर था हालांकि ये एक और बात है कि एफ वन और एफ ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है आप थ्री में समझोगे तो आपको एहसास हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं ये दोनों फोर्स भी आपस में परपेंडिकुलर है ठीक है इस तरीके से लग रहा है अब ये फोर्स घुमाएगा कैसे ये सोचो ये फोर्स तो चाहेगा कि आपके पास ये ऐसे बैंड हो और यदि ये, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है वाई एक्सेस तो क्या रोड का ये मोमेंट पॉसिबल है ये तो नहीं पॉसिबल ये तो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे आएगी ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी तभी इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा इसके अबाउट घूमेगा ये तभी घूम पाएगा अदरवाइज तो नहीं घूम पाएगा यानी अभी हमारे पास ये जो एफ वन एक्ट कर रहा है ये बेसिकली इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरल एक्ट कर रहा है ये जो वाई एक्सेस वाले एक्सेस है इसके पैरल एक्ट कर रहा है तो ये एफ वन आर के परपेंडिकुलर है अब जब टॉर्क निकालते हो तो यही देखते हो ना आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर तो यहां से आर वेक्टर क्रॉस एफ वैक्टर सेफ वन की नॉन जीरो वैल्यू आती है एफ वन की क्या आ रही नॉन जीरो वैल्यू आ रही है सॉरी टॉर्क की नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। लेकिन ये घूम नहीं पा रहा है क्योंकि तो आंसर नहीं आ रहा है या फिर आंसर आ भी रहा तो जो आपको टर्निंग इफेक्ट मिल रहा है आप एफ वन से चेक करना चाहोगे क्रॉस प्रोडक्ट से देखो एफ वन किधर आ रहा है डायरेक्शन देखो एफ वन की आर क्रॉस एफ वन करो आर आपके पास किधर की तरफ है आर है हमारे पास आई के एफ तो, रहा, I है, तो ये आ आई केफ क्रॉस एफ वन के अंदर है कैप तो ये कितना आ रहा है कैप और ये जो के कैप है ना इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन तो ये जो परपेंडिकुलर टू एक्स ऑफ रोटेशन जो भी टॉर्क आएगा वो हमारे पास मीनिंगलेस है वो एक तरीके से एक्स ऑफ रोटेशन खुद को घुमाने की कोशिश कर रहा है उस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट टर्निंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा रिपीट कर रहा हूं

उसी टॉर्क को अपन बात करेंगे टॉर्क अबाउट एक्सेस समझ में आ रही बात तो यहां पे यदि मैं इस एफ वन की बात ये एफ की बात करूं एफ की वजह से टॉर्क की डायरेक्शन देखो आर क्रॉस एफ करो किधर आ रहा है जेके पा है हाँ, जेके पाए माइनस जेके पाए चलेगा ठीक है आपके पास पैरल टू एक्सेस ऑफ रोटेशन आना चाहिए और ये अपन डिफाइन क्यों करना पड़ रहा है ये भी बात समझ में आ गई होगी क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आप ओ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे तो एफ वन का भी टॉर्क आएगा और इस एफ का भी टॉर्क आएगा लेकिन एक इसे घुमा पा रहा है दूसरा नहीं घुमा पा रहा है बॉडी को ठीक है क्योंकि हमने एक्स ऑफ रोटेशन फिक्स कर दी यदि हमें नहीं पता है कि ओ के अबाउट घूमेगा लेकिन एक्स ऑफ रोटेशन क्या है हमें नहीं पता सिर्फ ओ के अबाउट टॉर्क पूछा होता और एक्स ऑफ रोटेशन नहीं गिवन होती तो फिर आप एफ वन की वजह से भी लिखते एप की वजह से भी लिख लेते लेकिन यहां आप यदि अपन फिक्स कर देते हैं इस तरीके से मैंने होल्ड कर रखा है तब फिर हमारे लिए ये जानना जरूरी है या फिर ये डिफाइन करना जरूरी हो जाता है वैसे बात हमने वहां भी discuss की थी कि जो जो होती है ना में में अपन अपन करते करते हैं rotation में angular velocity जो define करते हैं वो बेसिकली अबाउट एन एक्सेस करते हैं जहां पे जो ओमेगा होता है ना ओमेगा ये आपके पास हमेशा पैरेलल टू तो एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है रोटेशन मोशन में जो भी अपन ओमेगा डिफाइन करेंगे ये ओमेगा आपके पास परपेंड सॉरी पैरल टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन होना चाहिए ये डायरेक्शन पर मानते हैं क्लॉक घूम रहा है एंटी क्लॉक घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होगी ओमेगा की ये सपोज हमारे पास एक्स ऑफ रोटेशन है तो ओमेगा की ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन हम बोल रहे थे कि ऊपर की तरफ हो जाएगी ये ओमेगा ठीक है और यदि ये उल्टा घूम रहा है हमारे पास ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी लेकिन होगी ओमेगा के डायरेक्शन हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलाव नहीं रोटेशन वाले इंपॉर्टेंट रोल है जो सर्कुलर मोशन वगैरह में नहीं था ठीक है उम्मीद कर रहे हैं ये वाला पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा अच्छा थोड़ा सा मैं इस सिचुएशन को ना थ्री के अकॉर्डिंग थोड़ा और समझाता हूँ ये मैंने टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिए थ्री डायमेंशनल लेके कुछ पॉइंट और ऐड करता हूँ इसी के अंदर इस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे मैंने एक्स ऑफ रोटेशन फिक्स कर दिए और एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ठीक है और इस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के किसी जनरल पॉइंट सपोज इस पी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है एफ वैक्टर ये रहा हमारे पास एक फोर्स एफ वैक्टर इस पी पॉइंट पर लग रहा है बराबर है और इस पी पॉइंट का मैं ये ले लिया एक पोजिशन वैक्टर ले, ले लेता हूँ ये इस पी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर एक्सोप रोटेशन से ये आ गया हमारे पास आर वेक्टर ठीक है इस अक्सोप रोटेशन पर एक पॉइंट लिया ओ अब मैं काम करता हूं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं अक्सोप रोटेशन के अबाउट लेकिन मैं अलग अलग पॉइंट ले रहा हूं मैं इस ओ की बजाय सपोज पैस केस के अंदर यहां एक पॉइंट ले लेता हूं ओवन और उस ओवन के रिस्पेक्ट में टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं पॉइंट के अबाउट नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेट पॉइंट यानी कि कैलकुलेन ओवन के हेल्प से कर रहा हूँ लेकिन हमारे पास फाइनल एक्सोप रोटेशन के अबाउट ही टॉर्क निकालूंगा ठीक है तो यदि ओवन से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो टॉर्क की डेफिनेशन वाइज क्या होना चाहिए टाउ वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर ये लिखोगे ये बेसिकली ओवन के अक्रॉस टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट ठीक है ये इसके अबाउट जो पोजिशन वैक्टर में इसे आर वन मान लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास आर वन ठीक है ये अबाउट एक्स ऑफ रोटेशन नहीं मैंने कैलकुलेशन ओवन से किए तो ये ऐसा लिखूंगा सिमिलरली एक और पॉइंट ले लेता हूँ ये ले लिया मैंने ओ टू इसका अबाउट यदि टॉर्क कैलकुलेट करना चाहूंगा ठीक है तो टॉर्क कितना आएगा ये आ जाएगा इस ओ टू के अबाउट पोजिशन वैक्टर याद कि मैंने जितने भी ले रहा हूँ सारे पॉइंट एक्स ऑफ रोटेशन पे ही ले रहा हूं ठीक है तो ये आपके पास आर टू आर टू क्रॉस प्रोडक्ट विथ एफ वैक्टर यहां तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिक हेल्प से आर वैक्टर को ऐसा लिख सकता हूं क्या आर वैक्टर को मैं लिख सकता हूं हमारे पास आर वैक्टर को इस तरीके से देखो आर वैक्टर को क्या आर वन वैक्टर को मैं क्या लिख रहा हूं आर वन वैक्टर को लिख रहा हूं ओ ओ वन वैक्टर ओ का पोजिशन वैक्टर ओ वन के रिस्पेक्ट में प्लस आर वेक्टर चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना देखो ऐसे लिखोगे ना वो वेक्टर ट्राइंगल लो से इस पार्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ पूरे इन, ये क्रॉस प्रोडक्ट को तो ओ ओ वन क्रॉस प्रोडक्ट विथ एफ वन एफ प्लस आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ एफ वेक्टर ठीक है यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना तो ये आपके पास आ रहा है टॉर्क जब मैं ओ वन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ ठीक है और जो ओ टू वाला है उसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं इसी में भी मैं सेम स्टोरी आर टू की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर टू की जगह क्या लिख सकता हूँ ओ ओ टू वैक्टर प्लस आर वैक्टर और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा एफ के साथ तो दोनों वैक्टर को मैं अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ तो ये ओ टू वैक्टर प्लस आर वैक्टर सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट विथ एफ वैक्टर फिर प्लस आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर ये तो मैंने ओ वन और ओ टू के रेस्पेक्ट में देखा एक्चुअल मैं ये बोलूं कि आपको चाहिए टॉर्क अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या चाहिए टॉर्क अबाउट एक्स ऑफ रोटेशन तो फिर मैं टॉर्क का कंपोनेंट लूंगा टॉर्क के सिर्फ उसी कंपोनेंट की बात करूँगा कंपोनेंट ऑफ टॉर्क विच इज बेसिकली पैरल टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन हाँ या ना सिर्फ पैरल वाला कंपोनेंट ही टॉर्क का आपके पास काम आएगा परपेंडिकुलर वाला नहीं आएगा अब आप इस पर जाओ ओ ओ वन ये आपके पास ऐसा आएगा ये वैक्टर ये ओ के पर एक्स ऑफ रोटेशन के पैरल है और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है ए क्रॉस बी कर रहा हूँ यदि ऐसा लिख रहा हूँ सी वैक्टर इज बेसिकली ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर तब हमें पता है कि जो C की डायरेक्शन आने वाली है इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, एज वेल एज जो सी वैक्टर की डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर तो आप पास ओ ओवन ये आपके पास एक्सो रोटेशन के पैरेलल है तो आंसर परपेंडिकुलर आएगा तो जब आप कंपोनेंट देखोगे यानी कि आप ओवन के रिस्पेक्ट में निकाले टॉर्क लेकिन इसका कंपोनेंट ले रहा हूँ मैं एक्स ऑफ रोटेशन का लॉन तो ये वाला पार्ट तो नेगलेक्ट हो जाएगा या बोलो इस पार्ट की वजह से टॉर्क पैरल कंपोनेंट नहीं आएगा ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो बचेगा क्या अभी मुझे इसका और चेक करना है आर क्रॉस ऐप का चेक करना है क्योंकि ऐप के बारे में ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया आर तो आपको दिख रहा है कि आर एक्स ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है आर है या नहीं है लेकिन ऐप के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं पता अभी इसका कंपोनेंट और लेना बाकी है ठीक है वो ऐप के ऊपर डिपेंड करेगा सिमिलरली यदि मैं टू वाले से बात करूंगा तो अगेन यदि मुझे टॉर्क चाहिए ओ टू के रेस्पेक्ट में लेकिन ओ टू से कैलकुलेट कर रहा हूं लेकिन एक्स ऑफ रोटेशन का अलाउन चाहिए यदि आपको एक्स ऑफ रोटेशन का अलाउन चाहिए तो ये वाला कंपोनेंट अगेन जीरो तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपके पास टॉर्क अबाउट एक्स ऑफ रोटेशन है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन आप किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो यदि आप एक्सरफ़ रोटेशन के अबाउट टॉर कैलकुलेट कर रहे हो तो ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन फॉर्मूले के लिए आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो उसे फर्क नहीं पड़ेगा आप कहाँ लेके ये फॉर्म लगा रहे हो उसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनली आप सिर्फ टॉर्क का वही कंपोनेंट देखोगे जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आएगा और वो बिल्कुल इक्वल आएगा चाहे आप कोई सा भी पॉइंट लेके कैलकुलेट करो हाँ इस बात का ध्यान रखें कि सारे पॉइंट जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो चाहे वो ओ हो ओ वन हो ओ टू सारे एक्सेस ऑफ रोटेशन पे लाई करने चाहिए बराबर है ठीक है तो ये आपके पास आ गया टॉर्क अबाउट एक्स ऑफ रोटेशन यहां एक और चीज छोटी सी मैं टॉर्क अबाउट एक्स ऑफ रोटेशन बात कर लेता हूँ इस फोर्स के रिगार्डिंग बात करता हूँ ठीक है इस फोर्स वाले पार्ट में दोबारा आ रहा हूं यदि मुझे चाहिए टॉर्क ठीक है और टॉर्क ये, ये आ रहा है आपके पास आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर ये आ रहा है यदि मैं ऐप की इम्पोर्टेंस देखना चाहूँ तो यदि हमारे पास ऐप जो है ना सपोज इस ऐप का कोई कंपोनेंट या ये जो एप है ये यदि आप पास पैरल आ जाए एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन के तब क्या होगा तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पैरल आएगा तो ये टॉर्क आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर चला जा जाएगा तो फिर इस केस में जो टॉर्क आएगा अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन वो कितना होगा ज़ीरो तो सबसे पहले तो हम वो सारे फोर्स जो एक्स ऑफ रोटेशन के पैरल आ रहे हैं या फोर्स के कंपोनेंट उनको आप स्टोरी से हटा सकते हो इफ़ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट एक्स ऑफ रोटेशन बराबर है फिर उसके बाद में आप फॉर्म लगा के कैलकुलेट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो ये पूरी स्टोरी थी आपके पास टॉर्क अबाउट एक्स ऑफ रोटेशन तो टॉर्क तो के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो हम डिस्कस कर चुके ठीक है बहुत बढ़िया इस ऑब्जेक्ट पे सपोज किसी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के बारे में आपको बोला है कि दिस फोर्स एफ इज परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ रोटेशन पहली चीज दूसरी ये जो एफ वेक्टर है इट इज नॉट इज नॉट पासिंग थ्रू एक्सेस ऑफ रोटेशन इज नॉट पासिंग थ्रू एक्सेस ऑफ रोटेशन एक्सप रोटेशन के परपेंडिकुलर है लेकिन उसे पास नहीं हो रहा है ठीक है ये पॉइंट सपोज किसी पी पॉइंट पर लग रहा है ये मान लिया जैसे मैंने फोर्स की डायरेक्शन ये फोर्स थोड़ा आप थ्री में समझोगे समझ में आ जाएगा ये फोर्स एक्स ऑफ के परपेंडिकुलर है लेकिन उसे पास नहीं हो रहा है उस केस में आप इस पी पॉइंट का ये पी पॉइंट एक्सप रोटेशन का बोर्ड घूमेगा तो इसका एक शॉर्टेस्ट आएगा ना आपके पास रेडियस uh, जिस रेडियस में घूम रहा है और इसका जो सेंटर है उसका रेस्पेक्ट में ये पोजिशन वैक्टर आएगा आर वैक्टर क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो इस पी पॉइंट का यही सेंटर बनेगा जिसके अबाउट ये पी पॉइंट रोटेट करेगा आप पी पॉइंट के रोटेशन को देखोगे तो पी पॉइंट ऐसे ही रोटेट करेगा ना आपके पास इस तरीके से पी पॉइंट इस तरीके से यहाँ रोटेट करता हुआ दिखेगा आपको ये इसका प्लेन बनेगा ऐसे पी पॉइंट का इसी प्लेन के अंदर पी पॉइंट आपके पास रोटेट कर रहा होगा तो यहां पे यदि आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ यदि हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट एक्स ऑफ रोटेशन तो यहां पे सिंपली आप इस ये जो फोर्स लग रहा है ना इसको एक्सटेंड करो फोर्स वाली जो लाइन ऑफ फोर्स है ना उसको एक्सटेंड करो ये हमारे पास आ गई लाइन ऑफ फोर्स और ये जो आर वैक्टर है इसका एक कंपोनेंट लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर आएगा जैसे पॉइंट वाले केस में आप कर रहे थे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ ये जो कुछ लेंथ आएगी मैं इसे आर परपेंडिकुलर बोल देता हूँ तो अक्सर रोटेशन का बोर्ड जो टॉर्क आएगा उस आप लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई एफ इतना ही टॉर्क होगा लेकिन कंडीशन क्या है ये वाला फोर्स अक्स ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और एक्सप रोटेशन से पास नहीं होना चाहिए तभी ये फार्मूला वैलिड रहेगा वैसे ये फार्मूला अपन ने बहुत पहले स्टार्टिंग में टॉर्क की डेफिनेशन बताया था लेकिन उस टाइम पे अपन टॉर्क एक्सप रोटेशन के अबाउट कैलकुलेट करने के बजाय एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे थे ठीक है तो ये डिफरेंस था पहले वाली कैलकुलेशन में और अब वाली कैलकुलेशन के अंदर ठीक है आप यहाँ से देखना चाहो तो ये आपके पास दोनों के बीच का एंगल होगा ठीक है ये थीटा तो ये आप पास अगेन थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा तो यहाँ से आप देखोगे तो साइन थीटा कितना आएगा साइन थीटा इतना ही तो आएगा पर ये आर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर आ रहा है तो आर परपेंडिकुलर बेसिकली आर साइन थीटा ही है तो ये था तो फार्मूला था टॉर्क का आप आर परपेंडिकुलर जो क्या लिख दोगे आर साइन थीटा आप ऐसे कैलकुलेट करो या ऐसे करो क्या ही फर्क पड़ता है यानी कि हम यही बात बोल रहे हैं कि जैसे अपने पॉइंट का बोर्ड बोला था ना कि आर का कंपाउंड ले लो एफ के परपेंडिकुलर या एफ का कंपाउंड ले लो आर के परपेंडिकुलर ये वाली बातें वैलिड रहेगी यहाँ पे भी जब आप कौन सी बात कर रहे हो एफ हमारे पास परपेंडिकुलर हो एक्स ऑफ रोटेशन के और एफ एक्स ऑफ रोटेशन से पास नहीं हो रहा ठीक है बात एक और प्यारा सा यहाँ कॉन्सेप्ट होता है टॉर्क रिगार्डिंग दैट इज फोर्स कपल सपोज हमारे पास रोटेटिंग बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं एक एफ वन और एक एफ टू यानी मैं एक पेयर ऑफ़ फोर्स की बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ पेयर ऑफ फोर्स और ये पेयर ऑफ फोर्स इस तरीके से है कि दोनों का मैग्नेट्यूड इक्वल है यानी कि एफ़ वन वैक्टर इसकी नूमेरिकल वैल्यू और एफ टू वैक्टर इसकी नुमेरिकल वैल्यू दोनों की नूमेरिकल वैल्यू इक्वल है और डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं यानी कि एफ वन की जो डायरेक्शन है और एफ टू की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है इस टाइप के यदि हमारे पास एक फोर्स पेयर बन रहा है तो इसे अपन बोलेंगे फोर्स कपल फोर्स कपल का मतलब क्या होगा ए पेयर ऑफ फोर्स इज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तब हम इसे बोलेंगे फोर्स कपल अब बात करते हैं टॉर्क ड्यू टू द फोर्स कपल टॉर्क कितना होगा इस फोर्स कपल की वजह से तो जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने रेंडम से ये एक ऑब्जेक्ट है इस पर एक फोर्स हमारे पास इस तरीके से लग रहा है ऊपर से ठीक है एक ऐसे लग रहा है यहाँ पे और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऊपर की तरफ दोनों जो है ना लाइन ऑफ एक्शन दोनों की अलग अलग है लाइन ऑफ एक्शन एक जैसी नहीं है ठीक है इधर से भी एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स आ रहा है इधर से भी एफ मैग्नीट्यूड का बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है यदि इस तरीके से हमारे पास फोर्स लग रहे है तो बॉडी यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपके पास रोटेशन देखने को मिलेगा बॉडी रोटेट करेगी हमारे पास ठीक इस तरीके से रोटेट करेगी तो इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन मान लेता हूँ जैसे मैंने सेपरेशन ले ली दोनों के बीच की सेपरेशन डी तो अब टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाले डिस्टेंस मान लेते हैं हमें नहीं पता एक्स मान लेते हैं ये वाले डिस्टेंस एक्स तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास डी माइनस एक्स बराबर है पहले वाले की वजह से टॉर्क कितना आएगा हमारे पास इस फोर्स की वजह से देख रहा हूँ तो एफ मल्टीप्लाई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स और ये कैसे घुमा रहा है बॉडी को आप सामने से देख रहे हो तो हमारे लिए एंटी क्लॉक घुमा रहा है बराबर है और दूसरे की वजह से टॉर्क देखो तो वो आ रहा है एफ मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एक्स ये मैं ऑलरेडी परपेंडिकुलर लिया है ना फोर्स और पोजीशन वेक्टर ठीक है और ये वाला फोर्स भी कैसे घुमा रहा है बॉडी को ये भी आप सामने से देख रहे हो तो ये कैसे घुमा रहा है ये भी आप पास एंटी क्लॉक तो दोनों के टॉर्क एड कर दूंगा तो ये आपके पास रिजल्ट इन टॉर्क आ गया इसे सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है एफ डी यानी कि फोर्स ऑफ सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाई बाई सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ये क्या है ये हमारे पास सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ये आपस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स ठीक है किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लो दोनों के इक्वल है ना तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन तो ये आ जाएगा टॉर्क और ये जो टॉर्क है इस टॉर्क की खास बात और है ये टॉर्क डिपेंड नहीं करेगा आप किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो यदि आपको नहीं पता ये आपस रोटेट कहां से कर रहे हैं यदि आपने कोई और भी ले लिया जैसे किसी ने कहा कि इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो तो इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क उतना ही आएगा इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करके देखो ये सेपरेशन आपके पास मैं मान लेता हूँ वाई तो टॉर्क हमारे पास कितना आएगा एफ़ की वजह से एफ़ मल्टीप्लाई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई और ये एफ़ कैसे घुमा रहा है आप एफ़ के अबाउट देखोगे तो एफ़ ए के अबाउट बॉडी को ऐसे घुमाना चाहेगा रहा है ना कि क्लाक वाइज घुमा रहा है आगे वाले का कितना आ रहा है एफ मल्टीप्लाईविज सेपरेशन कितनी वाई प्लस डी हाँ है ना और ये ये वाला एप इसे कैसे घुमा रहा है ये एंटी क्लाक घुमा रहा है यदि मैंने क्लॉक को पॉजिटिव लिया एंटी क्लाक नेगेटिव आएगा इसे सॉल्व करो कितना आ रहा है एफ मल्टीप्लाईविज डी और इस ए के अबाउट कैसे घूम रही बॉडी एंटी क्लॉक घूम रही है ठीक है एंटी क्लाक वैसे हमने जो यहां वाला जो पॉइंट लिया था इसके अबाउट भी कैसे घूम रही थी एंटी क्लॉक तो आप कहीं से भी कैलकुलेट करो टॉर्क उतना ही आएगा तो आप आगे से इस पार्ट को दूसरे नजरिए से भी देख सकते हो अच्छा फोर्स कपल में एक चीज ये बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट फोर्स देखूं तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो आ रहा है ना तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स कपल डज नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स दिस फोर्स कपल डज नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स ठीक है फोर्स कपल की वजह से कभी भी फोर्स नहीं लगेगा यानी कि आप पास टाइम रेट ऑफ चेंज इन ट्रांसलेशन मोशन नहीं देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन इस फोर्स कपल की वजह से टॉर्क जरूर मिल रहा है टॉर्क मिल रहा है लेकिन फोर्स नहीं मिल रहा है यानी कि आप आगे से इस तरीके से भी देख सकते हो कि जब भी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जीरो आ जाए तो उस मोमेंट पे जो टॉर्क की कैलकुलेशन है ये टॉर्क हमारे पास सेम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट आप किसी भी पॉइंट का कैलकुलेट कीजिए टॉर्क इक्वल आएगा लेकिन ये बात कब वैलिड है जब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे जीरो होगा और रिजल्ट फोर्स जीरो होगा तो बॉडी के पास टाइम रेट ऑफ चेंज इन ट्रांसलेशन मोशन नहीं देखने को मिलेगा बराबर है ओके okay. तो ये पूरा हमारा डिस्कशन था टॉर्क के रिगार्डिंग उम्मीद करते हैं ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो